देश बंटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, सीए कानून वापस लो, वापस लो, धर्म के नाम पर देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश में लड़ाना बंद करो, बंद करो, संविधान को छेड़छाड़ करना बर्दाश्त नहीं है, छेड़छाड़ करना संविधान को चेंज करना बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उनके खिलाफ आप सब लोग आए हैं गांव से, देहात से, आप लोग को जानना जरूरी है, माता बहन भी आई है, ये सब जानना है, क्योंकि यहाँ सरकार और सरकार के गुंडे, ये पुलिस प्रशासन और उनके आरएसएस के गुंडे लोग ये लाठी और गोली चला रहा है छात्रों पर। आपको जेनिया में यूनिवर्सिटी में तमाम घुस घुस के और छात्रों पर लाठी चार गोली चार, ये जो है ये हत्यारों की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी ये जो है आपको हत्यारा है, जनसंहारी है। ये जो है देश के गांधी को गोली मारने वाला ये लोग है। देश को आज जो है छात्रों को, किसानों को, नौजवानों को जो रोजगार मांगता है उस पर लाठी गोली चला रहे हैं। जो है अपना शिक्षा मांगता है उस पर लाठी गोली चला रहे हैं। जो है आपको जो है आपके रोजगार की मांग करता है, ये मारपीट करके हम लोग को आंदोलन को गिरफ्तार करके जेल में बंद करके सोचता है बंद हो जाए। लेकिन हम लोगों को अब कोशिश करना है कि गांव-गांव में संगठन को मजबूत करना है, ये लाल झंडे को मजबूत करना है, क्योंकि हमारी जो है रोजी छीनी गई, हमारी जो है बच्चों का शिक्षा छीना गया, हमारी जो है चिकित्सा छीना गया। हम लोगों के पास जो है, गरीबों के पास पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा, दवा नहीं मिलेगा। आज जो है देखिए, आइए वो बीपीएल सुधारने में कितना समय लगा था, आज जो है दलितों को, आदिवासियों को जो है जमीन का मांगा जा रहा है कि आप पुराना बाप का खतियान ले आइए, तब आपको जो है आपको कोई लाभ दिया जाएगा, आपका जाति बनाया जाएगा। बहुत सारे आदिवासी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन दादा बाप का नहीं है, खतियानी जमीन नहीं है, वो कहाँ से ले आएंगे? तब उसको देश से बाहर करोगे? ये देश में पैदा हुआ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा हुआ है। तुम लोग बाहर से आए हो, ये जो है आज बाहर से आए हो, और तुम लोग हम लोगों को नागरिकता, जो सरकार को हम लोगों ने चुना, जो सरकार को जनता ने चुना, जो सरकार को नागरिकों ने जो है इतनी बड़ी बहुमत दिया, उस नागरिक से मांग रहा ये सरकार, आप अपना प्रमाण लाओ इस देश के हो कि नहीं हो। सबसे पहले तो इस देश की गति से तुम्हें हटना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर बाहरी लोग वोट दिया है, पाकिस्तानी लोग वोट दिया है, अफगानिस्तानी लोग वोट दिया है, बांग्लादेश के लोग वोट दिया है, तुम सरकार में बैठ गया, सरकार में तो यही के लोग वोट दिया है, तब तुम सरकार बनाए हो, और सरकार में बैठ गया तो कहते हो कि प्रमाण ले आओ तुम नागरिक हो कि नहीं हो। ये कैसा अन्याय है भाई, इतनी बड़ी अन्याय क्या हम बर्दाश्त करेंगे? आज हम लोगों को जो है पेट पर लात मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को शिक्षा को छीन लिया गया है, प्राइवेट कर रहे हो, प्राइवेट सरकार के यहाँ, ये प्राइवेट में पैसा जिनके पास होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं हो खिचड़ी खाने वाला स्कूल में पढ़ेंगे, और नौकरी के बड़ी कंपटीशन कहोगे करो, ये कहाँ से आएगा बताओ? सारे जो है लड़के बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, ट्यूशन करो, ड्यूज में जाओ, ये क्या चल रहा है? पैसा है तो आप फीस दे के पढ़ो, और नहीं है तो ना पढ़ो। ऐसा ही है इलाज, सरकारी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है ना दवा है, जो जाए प्राइवेट में, पैसा है तो इलाज होगा, नहीं तो मर जाना है। आज जड़े आ गया, जड़ा में ठंडा से मर रहा है आदमी, गर्मी में लू से मर रहा है आदमी, यहाँ दवा के बिना मर रहा है आदमी, खैला बिना भूखे मर रहा है आदमी, और ये ऐश कर रहा है। ये जो है मोदी अमित शाह की सरकार, ये जो है आपको जो है बड़े बड़े पूंजीपति जो है, या टाटा बिरला मोदी या बजाज, ये अंबानी अदानी, ये सबका रोज का आमदनी करोड़ों का है। अब सोचिए 52 लाख रुपया अंबानी का रोज आमदनी होता है, अदानी का 56 करोड़ रुपया, 56 करोड़ 52 करोड़ रोज आमदनी है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का गिने हुए 5 को अंगुली पर गिना जाए तो ये लोगों का आमदनी है। इस देश को लूट रहा है, क्या लूट रहा है? सोना का भंडार हमारे देश में है, सोना का भंडार जो है इसके कब्जा में है, इसको ठीका है, कोयला भंडार है,
कोयला का ठीका इसको है, आपको लोहा है, लोहा का यही ठीका लिया है, आपको प्राकृतिक जमीन में गैस है, तेल है, ये सब इसी का ठीका है, हीरा है, मोती है, सब बंदरगाह है, समुद्र में जितना हमारा कीमती धातु है, जमीन के अंदर जो कीमती धातु है, सब इसका बाप का हो गया है, इसका दादा तो गया, ये सब लूटेगा और लूट के अमीर हो गया है, देश का पूरा पूंजी प्रॉपर्टी इन कुछ लोगों के पास हो गया है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप सब लोग आज से बोलो कि आप जो है ये लाल झंडा के सिवा किसी को वोट नहीं देना है। ये लोग देश बेचने वाला सब आज तक गद्दी पर 72 सालों में आप गिन लो, बिहार की गद्दी पर बैठने वाला और देश के गद्दी पर बैठने वाला, देश को लूट के कंगाल कर दिया। भारत सोना का चिड़िया था, आज कहाँ चला गया? आज देश जो है 20 बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज से बुड़ गया है। आज कर्ज में हम बुड़ गए हैं, हमारा जो है सब कुछ लूटा जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये सरकार, ये जो है दोहरी लोग जो है आज सत्ता में बैठ के ये लोग जो है हमारे देश को राज को लूटा है, गरीबों पर बुलडोजर चलाया है। हम लोग कसम खाएं कि अब हम लोग गरीबों का घर नहीं उजाड़ने देंगे। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को आवास चाहिए, हम लोगों को कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, बच्चे का शिक्षा चाहिए। हम बुनियादी अधिकार, हमारा संविधान में मौलिक अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान दवा शिक्षा, ये हो गारंटी, हम इसके गारंटी चाहते हैं। और ये सरकार जो देगी, जो लोग इसका वादा करेंगे उनको हम लोग सत्ता में लाएंगे और उन्हें जो है जाए जो है गद्दी पर बैठाया जाएगा। और जो लोग इसका विरोध में है, जो लोग चंद पूंजीपतियों का है, चंद जो है जमींदारों का सरकार बनाना चाहते हैं, पर इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको आने वाला चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। हम लोगों को ये जो है गांव-गांव ऐलान करना होगा, तब जाके हम लोगों का धन धरती और देश बचेगा, संविधान बचेगा, हमारा नागरिकता बचेगा, हमारा रोजी रोटी बने बचेगा, मकान बचेगा। जब हमारी सरकार होगी तब हमें खुशहाली होगा, हमारे हर घर में थाली में अन्न होगा, हर हाथ में काम होगा, हर बच्चे पढ़ेंगे और हर लोगों को कपड़ा दवा शिक्षा सब की गारंटी होगी। हम ऐसा सरकार बनाना चाहेंगे। इसलिए हम चाहेंगे आप लोगों से कि हम लोग इसका विरोध किए हैं। आज जो है हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन, आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। जब तक हिंदुस्तान के लाल किला पर ये लाल झंडा नहीं फहरता, समाजवाद नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पूंजीवाद को नाश करेंगे, साम्राज्यवाद को नाश करेंगे और अमित शाह और जो है मोदी जो ये हिटलर का औलाद है, इसे हम नेस्तनाबूद करेंगे और एक दिन हम समाजवाद, इस देश की संविधान के अनुकूल ये देश को जो है हम लोग लाल झंडे वाले चलाएंगे, तब जाके ये सबका कल्याण होगा, सबका घर आवास जमीन। आज जो है देखिए बिहार का नीतीश सरकार, ये नीतीश आए हुए हैं, हरियाली योजना चला रहे हैं, इनको चिंता है गरीबों का घर उजाड़ दो, लाख छवर दरार पर बसे गरीब को उजारा जा रहा है और इनका पार्क बना रहे हैं, बड़ा बड़ा जो है इनका पोखरा बन रहा है, ये बाग में घूमेंगे, ये पोखरा देखेंगे, ये हरियाली घुमाएंगे, किसको उजाड़ के? यू गरीबों को उजाड़ के। हजारों एकड़ जमीन किसान, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े इनके गुंडे जमीन जोत रहा है, बिहार सरकार जमीन जो है बीघा के बीघा जमीन दखल कर लिया है, लेकिन उस पर पोखरा नहीं खना रहा है, उस पर जो है पेड़ नहीं लग रहा है, गरीब का घर उजाड़ के पेड़ लगेगा, गरीब का घर तोड़ के जो है पोखरा खनाएगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें गरीबों का घर चाहिए, गरीबों के घर के लिए आवास चाहिए, जमीन चाहिए। जब तक तुम नहीं दोगे हम एक भी घर तोड़ने नहीं देंगे, चाहे सरकार के खिलाफ जो जंग करना पड़े, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमें हम लोग जो है
बला जी बोलेगा, आप बोले कुछ बोले, बोले आप बोले।